हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इररेगुलर वर्ब्स। शेक यानी हिलाना, शेक शुक शेकन, श्रिंक यानी सिकुड़ना, SHRINK श्रिंक श्रैंक श्रंक, स्लीप सोना, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड स्टूड, स्टील चोरी करना, स्टोल स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टिंग STING यानी डंक मारना, स्टिंग स्टंग स्टंग, स्टिंक STINK स्टिंक यानी बदबू आना, स्टिंक स्टैंक स्टैंक, स्पीक यानी बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, स्वेर कसम खाना, स्वेर स्वॉर स्वॉर्न, स्वीप झाड़ू लगाना, स्वीप स्वैप्ड स्वैप्ड, स्विम यानी तैरना, स्विम स्वैम स्वम, स्विंग झूलना, स्विंग स्वंग स्वंग, टीयर यानी फाड़ना। अब टीयर का अर्थ आंसू भी होता है, टीयर टोर टॉर्न, टेल यानी बताना, टेल टोल्ड टोल्ड, टेक यानी लेना, टेक टुक टेकन, वियर यानी पहनना, वियर वोर वॉर्न, वीप यानी रोना, वीप वेप्ट वेप्ट, विन यानी जीतना, विन वन वन, बिल्ड यानी निर्माण करना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, लैंड LEND उधार देना, लैंड लेंट लेंट, डिग यानी खोदना, डिग डग डग, होल्ड यानी थामना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, लूज यानी खोना, लूज लॉस्ट लॉस्ट, शाइन चमकना, शाइन शॉन शॉन, सेल बेचना, सोल्ड सोल्ड, शूट गोली चलाना, शूट शॉट शॉट, बिगिन यानी शुरू करना, बिगिन बिगेन बिगन, ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, रिंग यानी घंटी बजाना, रिंग रैंग रंग, रन यानी दौड़ना, रन रैन रन, रन की थर्ड फॉर्म वापस रन होती है, रन रैन रन, जिस प्रकार कम केम कम इसी प्रकार रन रैन रन, सिंक यानी डूबना, सिंक सैंक संक। अब जैसे किसी इंसान के डूबने या जानवर के डूबने के लिए ड्राउन वर्ड आता है, पर किसी बोट के डूबने जहाज के डूबने के लिए सिंक वर्ड आएगा, सिंग यानी गीत गाना, सिंग सैंग संग, स्प्रिंग यानी उछलना, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, स्विम तैरना, स्विम स्वैम स्वम, श्रिंक यानी सिकुड़ना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। दोस्तों कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। जैसे बैट BET बैट यानी शर्त लगाना, बैट बैट बैट। इसी प्रकार से बिड यानी बोली लगाना, जैसे नीलामी होती है किसी चीज की तो उसकी बोली लगती है ना, तो BID बिट। बर्स्ट यानी फोड़ना, जैसे पटाखे फोड़ना, BURST बर्स्ट। कट यानी काटना, तो इनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, कट कट कट, हिट हिट हिट।
हिट का अर्थ होता है चोट करना। अगला शब्द है हर्ट, यानी किसी को चोट लगाना या चोट लगना। हर्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट। अगला शब्द है निट, KNIT, निट यानी स्वेटर बुनना। इसकी भी तीनों फॉर्म सेम हैं। अगला है पुट यानी रखना, पुट पुट पुट। रिड यानी पीछा छुड़ाना, रीड यानी पढ़ना। अब इसकी तीनों फॉर्म की स्पेलिंग तो सेम होती है पर उच्चारण अलग होता है, रीड रेड रेड। अगला है स्प्रेड यानी फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। और आज का लास्ट वर्ड है स्पिट यानी थूकना, स्पिट स्पिट स्पिट। सो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरी वर्ब फॉर्म्स की एक सीरीज़ है, तो यदि बाकी के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, उनको आप वन बाय वन देख सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे ग्रामर और स्पोकन के कुछ और टॉपिक्स के साथ।